तो बस पानी पी रहा था यार, थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, तो रांची यूनिवर्सिटी का NATS ग्रेजुएट अप्रेंटिस का लिस्ट आ चुका है, ठीक है। कब आया? अभी आया जस्ट, ठीक है। किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, चलिए अपना अपना लिस्ट में नाम देख लीजिएगा। और जिसका सिलेक्शन हुआ है, यार सच बता रहा हूँ, लकी हैं आप लोग, रियलिटी बता रहा हूँ, लकी है। जो कि झारखंड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको रहने का, काम करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और 12,000 रुपया पैसा भी मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मालूम है, यहाँ पे जो आप एक साल बिताइएगा ना, लाइफ आपका बदल देगा, ठीक है, बहुत कुछ। चलिए, तो रांची यूनिवर्सिटी NATS रिक्वायरमेंट निकाली थी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पोस्ट पे, 9 मार्च को वैकेंसी आया था। इसका फाइनल मेरिट लिस्ट अभी निकल चुका है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट है, जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो देखिए, इस लिस्ट में बोला गया है कि आपको इसमें सैलरी 12,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है, 30 तारीख को आ जाएगा सैलरी या फिर 1 तारीख को। उसके साथ ही यहाँ पे बोला गया है, ये जो नोटिस है, यह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, उसके परमिशन से रिलीज किया गया है, ठीक है। अगला चीज़ बोला गया है कि आपको ज्वाइनिंग जो यहाँ पे करना है, वह 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में, किसी भी कार्य दिवस के बीच में आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, ठीक है, जहाँ पे आपका, जिस कॉलेज में आपको मिला है पोस्टिंग। बोला गया, द कैंडिडेट आर पोस्टेड टू द प्लेस मेंशन अगेंस्ट देयर नेम, दे आर अलाउड टू ज्वाइन बिटवीन 16 अक्टूबर 2024 टू 25 अक्टूबर 2024 ऑन एनी वर्किंग डे, ठीक है। तो किसी भी कार्य दिवस पे आपको ज्वाइनिंग करना है, ठीक है, जाइएगा, बोलिएगा सर मेरा ज्वाइनिंग है। और यहाँ पे दो दो कॉपी फ़ोटो भी ले जाना है, जेरोक्स किसका, तो जितने भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगा था। बोला गया, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये रहा लिस्ट, रांची यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन रिजल्ट ऑफ द NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्ट स्कीम जो है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट सेक्शन का कम वालों में भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स और केवल कॉमर्स, दो ही कैंडिडेट को लिया जा रहा था, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैथ, तीन वालों को लिया जा रहा था, ठीक है, तो बहुत कम में ही इन लोगों का हो जाता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है जनरल, आपका जो जनरल सेक्रेटरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, उसमें, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे सीमा जी फर्स्ट मारी है, एकदम सबसे फर्स्ट रैंक इन्हीं का है, ठीक है, अकाउंट में रांची यूनिवर्सिटी। हालांकि कटअप यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि टोटल कितना कटअप है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है, वो भी चेक करते जाएंगे हम लोग। तो ये अकाउंट सेक्शन में टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं कितना है जी, अकाउंट सेक्शन यहाँ पे आपका अकाउंट 33 है, उसके बाद सीरियल वाइज सबका कर ही दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना सिलेक्शन लिया है, 156 को लिया है, ठीक है, टोटल 156 कैंडिडेट को यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन दिया है। इसके साथ ही अकाउंट कहाँ तक है, उसके बाद कहाँ से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का है, तो देखिए यहाँ पे अकाउंट सेक्शन ये आपके 36 को है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन यहाँ से शुरू होता है 37 नंबर से, ठीक है। रांची हेडक्वार्टर सबसे पहला फर्स्ट रैंक किसका है, तो प्रशांत जी का, चलिए ठीक है, 2002 डेट ऑफ बर्थ। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, मैं भी बहुत सोच रहा था कि मेरा भी हो जाता तो यार, लेकिन मेरा परसेंटेज कम था, मेरा था 71%, इस कारण मेरा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, किसी का तो हुआ, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं फिर ले ही लूँगा। चलिए, तो अगला यहाँ पे आता है बॉटनी का, एंड बॉटनी में देखिए यहाँ से शुरू होता है 84 नंबर से बॉटनी, ठीक है, और ये राम लखन सिंह यादव कॉलेज इनका है, बॉटनी में फर्स्ट। आगे देख लेते हैं, तो सब कोई चेक करते जाइएगा कहाँ पे किस कॉलेज में आपको पोस्टिंग मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉटनी, फिर आता है आपका केमिस्ट्री, ये आपका 94 से शुरू होता है केमिस्ट्री, ठीक है, ये सुमन जी का फर्स्ट नंबर पे है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट केमिस्ट्री के बाद कंप्यूटर साइंस में आता है विजय यादव फर्स्ट, ठीक है, और इनको मिला है राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। आगे देखते हैं, तो फिर कंप्यूटर साइंस के बाद आता है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में ये फर्स्ट हैं
चंद्रकांत वर्मा, ठीक है। तो वर्मा जी ने फर्स्ट मारा है, रांची यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे फिजिक्स का आ जाता है, लाइब्रेरी के बाद फिजिक्स 134 नंबर से शुरू होता है फिजिक्स का, ठीक है। और यहाँ पे सिंह जी ने मारा है फर्स्ट, तो ये चंबर सिंह। आगे देख लेते हैं, तो देन यहाँ पे जूलॉजी शुरू हो जाता है 145 से, जो कि 156 तक जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सभी का लिस्ट, जिनका भी लिस्ट है। देखिए परसेंटेज यहाँ पे शो करना चाहिए था सभी यूनिवर्सिटीज़ का, ताकि बच्चे भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सबको जितना भी कैंडिडेट है आप लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार संतुष्ट हो जाएंगे, भाई यहाँ पे दिखा रहा है इतना परसेंट, यानी कि मेरा इससे कम है तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो लोगों के मन में एक डाउट बनता है कि पाछे कौनों कॉर्डर की रे गड़बड़ कुछ गड़बड़ हुआ ना क्या जी, है तो ये डर लगता है ना। चलिए कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं सब कुछ सही है इसमें, ठीक है। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ अच्छी बात है। चलिए फर्स्ट सैलरी जो मिलेगा ना, अपना सैलरी का 1%, ज़्यादा नहीं 1% या 2%, ठीक है, 1% या 2% आपको गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटना है, यानी कि 12,000 रुपये आपका अगर सैलरी है, ठीक है, तो 2% मान के चलिए, यानी कि 240 रुपया आपको प्रत्येक महीना जब सैलरी मिलेगा तो 240 रुपया का गरीबों में बांटना है। कोई गरीब बच्चा मिल गया रोड पे, पैसा उसे मांगता है, 5 रुपया का बिस्कुट दे दीजिए, 10 का बिस्किट दे दीजिए, ठीक है। अपना सैलरी का 2% 5% इस पे बांटा कीजिए, ठीक है, पुण्य कमाइए इससे। चलिए मैं भी करता हूँ, जितना भी कमाता हूँ उसका कुछ परसेंट मंदिर में, तो कहीं पे बच्चे में ट्रेन वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पे बिस्कुट वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये था, और ये लिस्ट मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपका कोई दोस्त गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी बात कर लेते हैं बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो बाकी कितना यूनिवर्सिटी है सब सो गया है। जैसे आपका है एक नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, एकदम कुंभकर्ण की बात ही सो गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एकदम नींद मार रहा है। फिर आपको बात कर लेते हैं तो है DSPMU सब सो गया है। जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, एकदम गजब यार। फिर आपका विनोद भावे तो कर ही गया है, वो आज का रिजल्ट आ ही जाएगा, विनोद भावे का जल्दी आ जाएगा, उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर विनोद भावे दे देगा, ठीक है, रिजल्ट। बाकी इन लोग तो एकदम सो गया है घोड़ा बेच के, थोड़ा सा भी रिस्पांस नहीं कर रहा है, चुई चाय कुछ नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराएंगे, ज्वाइनिंग कब कराएंगे, कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी बना रहा है ना, वहाँ पे कोचिंग खोल के रखा, कुछ तो समझ नहीं आ रहा यार, ठीक है। देखिए रांची यूनिवर्सिटी हमेशा फास्ट कार्य करता है, कम से कम उससे प्रेरणा लेके सीखो यार, लेकिन मालूम नहीं यूनिवर्सिटी लोग पीछे हैं। थैंक यू, दुर्गा पूजा का है और बाजा भी बज रहा है, बाय। कोई नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मिठाई खिलाइए भाई।